टुडेज सेशन इज अबाउट द मिस्टेक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि जब हम सोर्सिंग करने जा रहे होते हैं चाइना से प्रोडक्ट की, तो वो कौन सी मिस्टेक्स अमूमन यूजुअली जो लोग कर रहे होते हैं सेलर, तो आज हमने उसको मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करना है, वो मिस्टेक्स को हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली ये कि इसमें आपको पता होना चाहिए जब आप सोर्स करने जा रहे हो चाइना से, क्योंकि चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और अमेजोन पर अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी जो सेलिंग वहाँ पे कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अमेजोन पर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ सोर्सिंग जो करते हैं वो फैक्ट्री प्राइसिंग पे भी कर रहे होते हैं। तो जब बात आती है कि हम अगर सोर्सिंग करें और चाइना से हमें चीप कॉस्ट पे और एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही होती है, तो यहाँ पे हमें कई बैरियर्स देखने को मिलते हैं, और इसमें ना कि सिर्फ लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, इसमें और भी बहुत सी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आपको सेलिंग करते हुए नजर आएंगे, आप वहाँ पे स्कैमिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो आज हमने देखना है कि हम वो कौन सी मिस्टेक्स हमने अवॉइड करना है जब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करने जा रहे होते हैं चाइना से। सो देयर आर सिक्स कॉमन मिस्टेक्स जिनको हमने अवॉइड करना है जब हम सोर्स करने जा रहे हो चाइना से। तो ये सबसे नंबर वन पे लिस्ट पे जो है वो लैकिंग डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस है। अब इसका क्या मतलब है लैकिंग डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस? होता क्या है कि जब आप सप्लायर को कांटेक्ट करते हो और सोर्स करने जा रहे होते हो, तो वहाँ क्योंकि चाइना में कल्चरल कुछ डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, लैंग्वेज उनकी इतनी सच स्ट्रांग नहीं है जो कि हम उनसे बात कर रहे होते हैं या सप्लायर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो एक सबसे बड़ा हर्डल आता है कि हाँ वो जो बात है डिलीवरी करने जा रहे हैं अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगी तो डेफिनेटली वो सोर्सिंग हमारी उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। अब कम्युनिकेशन की जहाँ बात हो रही है तो इसमें सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हो, आप फिजिकली वहाँ पे नहीं जाते, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन कम्युनिकेशन, ऑन कॉलिंग, ऑन ईमेल। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस की जहाँ पे बात होती है तो हम जब उनको कम्युनिकेट करके बताते हैं तो हो सकता है कि वो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए हो या वो उस इंफॉर्मेशन को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनके पास कई सारी डिटेल्स होती हैं, हर तरह की वो प्रोडक्ट होती हैं, तो आप क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट उनसे कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेसिफिकेशंस जो हैं आपने हमेशा प्रॉपरली बतानी है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, आपने उन्हें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें वो प्रोडक्ट उनके पास होगी, तो उनके पास ऐसे हज़ारों में प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें इसको हमने अवॉइड करना है कि हमेशा हमने उनको स्पेसिफिकेशंस दें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, बताएं कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, और उसकी अदर एस्पेक्ट्स को हमने उसको डिफाइन करना है जो जो कि आप प्रोडक्ट को जब आप सोर्स कर रहे होते हो। इसी तरह सेकेंडली यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे होते हैं फॉरगोइंग सप्लायर ऑडिट। अब फॉरगोइंग सप्लायर ऑडिट मीन्स कि यहाँ हम सप्लायर को ऑडिट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमने ऑडिट यहाँ इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सप्लायर आपका वेरीफाइड है या नहीं है और सप्लायर का प्रोसेस क्या है, वो कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, वो कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहा है, आया कि वो सप्लायर भी है या मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है। सप्लायर से यहाँ मुराद कि आप ट्रेडिंग कंपनी से तो नहीं बात कर रहे, कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है आपको और आपने उसको ऑडिट नहीं किया। तो इसमें एक ज़रूरी ये होती है कि आप मैन्युफैक्चरर की कंपिटेंसी लेवल देखें, वो कि कितनी यूनिट्स को बनाता है, पर डे कैपेसिटी कितनी है, और साथ साथ वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर कर रहा है। तो आपके पास कंप्लीट पिक्चर होगी, आपको प्रोसेस का पता होगा, आपके पास सर्टिफिकेशंस का पता होगा, लाइसेंस हैं या नहीं है, तमाम चीज़ें आप अपने सप्लायर को यहाँ बेसिकली एक ऑडिट कर रहे होगे। तो ये आपके लिए जब सोर्स कर रहे होगे चाइना से तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा और आप सही सप्लायर, सही मैन्युफैक्चरर से आप सोर्स करके अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं अमेज़ॉन पर। इसी तरह
नॉट ऑर्डरिंग प्रोडक्ट सैंपल्स, क्या हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं कि सैम्पलिंग की कॉस्ट बचाने के लिए उस प्रोडक्ट को हम नहीं मंगाते, हम उसको चेक नहीं कराते, हम इंस्पेक्शन नहीं कराते। तो एक सबसे बड़ा एक ये लैकनेस होती है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सब रेडी होते हैं कि आप सैंपल हमसे लें और आप प्रोडक्ट दें। अगर आप सैंपल नहीं लोगे तो ये कस्टमर आपको बताएंगे कि हमें ये प्रोडक्ट किस तरीके की क्वालिटी की प्रोडक्ट दी गई है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि हमेशा आपने प्रोडक्ट का आपने सैंपल लेना है, और सैंपल से आपको आइडिया हो जाएगा जो भी आपने प्लस माइनस करना है उसमें, क्वालिटी के हिसाब से आप देखें उसमें, चेक करें कि क्या प्रोडक्ट वही सेम टू सेम प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी बना के वो दे रहा है, हल्की क्वालिटी तो नहीं है, किस तरह की क्वालिटी है। तो ये आपने जरूर देखना है बिफोर प्लेसिंग अ बल्क ऑर्डर। अब जब आप यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट लेबल की, तो आप एक बल्क में ऑर्डर प्लेस करने जा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपने उस पर उसके सैंपल ऑर्डर जरूर करना होता है। विदाउट प्लेसिंग अ सैंपल ऑर्डर वो एक डिजास्टर है। इसमें फोर्थ मिस्टेक क्या होती है कि फोकसिंग ओनली ऑन प्राइसिंग। अब इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स आते हैं, हम सिर्फ प्राइसिंग एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे। अब अगर हम प्राइसिंग को देखेंगे तो हम क्वालिटी को इग्नोर कर देंगे। चाइनीज सप्लायर्स के पास हर किस्म की उनके पास क्वालिटी है, रॉ मटेरियल है। आप उनसे प्राइसिंग कम करवाओगे और स्टैंडर्ड प्राइस से भी ज़्यादा आप अगर उसको कम प्राइस पे लेके आओगे तो वो अपनी क्वालिटी को गिरा देगा। तो होता क्या है कि आपने देखना है, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी से बात कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू वर्क एज अ लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन तो आपने उसे पार्टनरशिप कर रहे हो, इसे एक रिलेशनशिप बना रहे हो। प्राइसिंग कम होती है, कॉस्ट कम होती है जब आप ऑर्डर बल्क में देते हो। प्राइसिंग को नेगोशिएट कराना है, ना कि सिर्फ प्राइसिंग पे बात करनी है। तो प्राइसिंग एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ हम प्राइसिंग को नहीं देखेंगे, हम क्वालिटी भी देखेंगे, हम उसमें मार्जिन भी देखेंगे, राइट? तो ये चीज भी हमने इसको देखना है, अदर एस्पेक्ट्स को, सिर्फ हम प्राइसिंग को कंसिडर ना करें। प्राइसिंग के साथ और अदर फैक्टर्स होते हैं, उनको हमने कंसिडर करना है। उसके बाद आता है कि आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते जब आप सप्लायर से बात करते हैं। अब वो यहाँ पे सप्लायर से जब आप बात कर रहे हो तो एवरीथिंग शुड बी रिटन इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आप नहीं करोगे और आप उस पर ट्रस्ट कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको एज पर द प्रोडक्ट, एज पर द वर्बल कम्युनिकेशन आपको डिलीवर करे। उसके पास जो लिखा होगा तो वो बाउंड होगा। बेसिकली हमेशा जब भी आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना है और बल्क में करने जा रहे हो तो हमेशा आपने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब भी सोर्स करने जाते हैं आप चाइना से, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनसे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर लें। इसके टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, गूगल करें आप, वहां इनके टेम्पलेट्स रखें। तो ये बेसिकली जो है प्रोटेक्ट करता है दोनों साइड पे, आपको भी और सप्लायर को भी, ताकि वो उसके अगेंस्ट ना जा सके। आपने उसको एक बाउंड किया हुआ है, वो भी बाउंड हुआ है, आप भी बाउंड हुए हो। और ये बहुत जरूरी है कि आप जब बल्क में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो चाइना से, व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हम बल्क में ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तो हमने हमेशा उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, रिटन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करना है। तो ये हमने इसको अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, सॉरी। आपने ये जो है एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा फर्दर उसके साथ, सप्लायर के साथ काम करने के लिए। और लास्ट ये कि हम एक और मिस्टेक करते हैं कि हम अपने चाइना में सोर्सिंग एजेंट को हायर नहीं करते कुछ पैसे सेव करने के लिए। ये बेसिकली आप जब चाइनीज में, चाइना में अगर आप सोर्सिंग करने जा रहे होते हो तो चाइना के अगर आप सोर्सिंग एजेंट से कांटेक्ट करते हो तो वो दे आर मोर प्रोफेशनल्स, दे नो हाउ टू हैंडल किस तरह इन्वेंट्री वहां से उठानी है, या फ्रेट फॉरवर्डर या उन कंपनी को हायर कर लेते हो कि वो इंस्पेक्शन कर रही है, इसमें इंस्पेक्शन भी आ जाता है। तो आपके लिए जरूरी है कि इंस्पेक्शन या फिर एजेंट को हायर कर लें, ताकि आपको पता हो कि वो प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर जो इन्वेंट्री बना रहा है आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो है, वो सही भी बना रहा है या नहीं बना रहा। हो सकता है वो चीज़ें आप नहीं उनको डिलीवर कर पाए प्रॉपरली, तो सोर्सिंग एजेंट होगा वो आपके लिए एक प्रॉपर सोर्स करके आपको वहाँ पे पहुँचा के देगा। डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया तो आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो बीच में अब आप ढूंढोगे कि कोई ऐसा हो जो आपको असिस्ट कर सके, या उसको भी या आपको भी। तो ट्रेड एश्योरेंस अपनी जगह, ट्रेड एश्योरेंस में इन्वेंट्री रिसीविंग होती है या नहीं होती एज पर द क्वालिटी,
वो भी एक बहुत जरूरी है, लेकिन आप एक सोर्सिंग एजेंट हायर कर लेते हो तो आपकी ये आधे से ज्यादा टेंशन तो निकल जाती है। ये बेसिकली आप उन लोगों के लिए ज्यादा सजेस्टेड होता है जो कि बिल्कुल न्यूबीज हैं और फर्स्ट टाइम वो बाइंग करने जा रहे होते हैं बल्क में, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, वो डायरेक्टली सिर्फ मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो ये भी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से जो है इन्वेंट्री इश्यूज आ जाते हैं, और सोर्सिंग करते हुए आपकी प्रोडक्ट आप सही प्रॉपरली सोर्स नहीं कर पाते, टाइमली डिलीवर नहीं होती, क्वालिटी में मसले आ जाते हैं, प्राइसिंग में अप एंड डाउन चेंजेस हो जाती हैं, और पता लगता है कि वो सप्लायर सही नहीं था। तो वो बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए ये जो आप मिस्टेक्स करते हैं, तो इन मिस्टेक्स को हमने अवॉइड करना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं। फर्दर हमने आगे अपने और सेशंस में इस तरह के कुछ टिप्स बताई हैं ताकि आप उनको यूटिलाइज करें और आप प्रॉपरली एक एफिशिएंट सोर्सिंग करें अपने सप्लायर से। थैंक यू।